दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इस तरह की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जाँच करेगी। साथ ही साथ अपर सचिव आवास अतब सिंह और MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि MDDA और पुलिस विभाग ने संयुक्त चेकिंग कार्रवाई शुरू कर दी है। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिलकर के आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर हाइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। देखिए, दुखद है जो हमारी घटना दिल्ली के अंदर हुई है और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे, उसको भी कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है, कहीं ऐसी घटना ना हो उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे हैं। सर, आयोग द्वारा कोई निर्देश दिया गया है? सीधा मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूँ। यदि मैं बोल रहा हूँ सरकार का निर्देश माना जाता है, सीधा निर्देश है कि अधिकारी कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही न करे कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में हो। हालांकि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटना की संभावना कम रहती है क्योंकि हमारा विभाग, हमारी सरकार पहले से सजग थी, आज भी सजग है, लेकिन इसको सबक लेते हुए और इसमें मुस्तैदी से काम करेंगे।